से ना वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो रक्षाबंधन काफ़ी नज़दीक है, तो उसके लिए मैंने बहुत ही खूबसूरत सा पिंकी पिंकी मेकअप लुक क्रिएट किया है। ये सच में बहुत ज़्यादा इजी है, बिकॉज इसमें कोई भी ब्लेंडिंग वगैरह नहीं करनी, फटाक से होने वाला, बिकॉज रक्षाबंधन के दिन काफ़ी ज़्यादा काम होता है और ज़्यादा टाइम तो मिल नहीं पाता हमें तैयार होने का। सो आप ये लुक क्रिएट कर सकते हैं, बहुत ही जल्दी हो जाएगा। आई मेकअप तो बहुत जल्दी फटाक से होने वाला है। सो या आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो या विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले मैं लगाऊंगी फेस सीरम, और मैं अपना फेवरेट फेस सीरम लगाने वाली हूँ, जो कि है द मॉम्स कुक का वाइटर नेचुरल वाइटर रिच फेस सीरम। बहुत ही ज़्यादा अच्छा सीरम है, मतलब मैंने काफ़ी तारीफ़ की है इसकी, बहुत ही ज़्यादा फ्रेश फील होता है। सो ऐसे भी चांसेस तो होते ही हैं, बहुत जल्दी थकने वाले, बहुत ज़्यादा काम रहता है और मुझे तो जल्दी उठना पड़ता है क्योंकि मैं लेट से उठती हूँ, तो इसलिए ये अगर लगा लोगे तो बहुत फ्रेश फील होने वाला है। नेक्स्ट हम लगाएंगे प्राइमर, स्विस ब्यूटी का रियल मेकअप बेस्ट प्राइमर। आई गेस आप लोगों को अभी तक पता चल चुका होगा कि मेरा फेवरेट प्राइमर है ये। सबसे पहले हम करेंगे अपने आईब्राउज को फिल। नेक्स्ट हम लगाएंगे कंसीलर, और मैं यहाँ पे यूज करूँ स्विस ब्यूटी का कंसीलर। मैंने काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स ऑर्डर किए हैं बट अभी तक कोई भी प्रोडक्ट नहीं आया है, अफसोस। और अमेज़ोन से मैं प्राइम से कर रही थी तो पता नहीं क्या इशू हो रहा था, वो ऑर्डर ही नहीं प्लेस हो रहा था। सो मैंने सिंपली अमेज़ोन से किया ऑर्डर, और कुछ इधर उधर और दूसरे वेबसाइट से भी किया। काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स मैंने बाय किए हैं इस बार। आई मेकअप के लिए मैं ले रही हूँ निका के का आई शेडो पैलेट पॉइजन एप्पल शेड, और ये शेड लूँगी। और बहुत ईजी है ये मेकअप, आप मतलब कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है इसको करने में। जहाँ हम लोग कट क्रीज करते हैं ना, बस वहीं तक हमें इसे करना है। ये शेड ट्रांजिशन के लिए अच्छा है, तो मैं थोड़ा सा और डार्क पिगमेंटेड पिंक चाहिए हमें। सो मैं ये पिंक शेड ले रही हूँ और इससे अच्छे से पैट करेंगे। मतलब ऐसा कोई भी लुक, मतलब मैं चाहती हूँ कि कोई ऐसा लुक हो जिसमें मैं ये प्रिटी ऑल सेट यूज़ ना करूँ, बट ऐसा हो ही नहीं पाता बिकॉज ये पिगमेंट थोड़े कम है कोई कोई कलर्स के। बट देखिए इसका पिगमेंट, ओह माय गॉड। सो इन केस आपका परफेक्ट लाइन नहीं बन रहा तो उसका सॉल्यूशन भी है हमारे पास, मैं बताऊंगी। हमने जो फ्लैट शेड ब्रश लिया था, जिससे हमने अपने आई को कंसील किया था, उसे लेंगे, और जहाँ पे गलत हुआ ना लाइन, बस वहाँ पे ले लेंगे और वहाँ पे कंसील कर लेंगे। सो इजी ना। अब हम लगाएंगे ग्लिटर्स, माय फेवरेट पार्ट। सो मैं ले रही हूँ मर्करी, हुडा बीटे का मर्करी रेट्रोग्रेड पैलेट, और उसमें से ये शेड ले रही हूँ। बहुत ही खूबसूरत सा सिल्वर शेड है, इसे हम लेंगे अपने फिंगर पे और बहुत ही जेंटली प्रेस करेंगे अपने आईलिड पे, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा ग्लिटर ग्लिटर नहीं चाहिए, हल्का हल्का चाहिए। इस तरह से इसे हल्का सॉल्ट लूँगी मैं। क्लीन लग रहा है ये, कितना खूबसूरत लग रहा है। सो ग्लिटर मेक्स एवरीथिंग पॉप आउट।
सो अब हम लगाएंगे आईलाइनर्स, बिकॉज मैं लगाऊंगी नीचे में ब्लू आईलाइनर और अपने ऊपर में मतलब एज अ ग्राफिक आईलाइनर मैं लगाऊंगी गोल्डन, बिकॉज गोल्डन आईलाइनर इज सो इन ट्रेंड और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे. सो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ब्लू हेवन का ब्लू आईलाइनर. ब्लू आईलाइनर डन. नेक्स्ट हम लगाएंगे गोल्डन आईलाइनर और मैं अभी सोच रही हूँ कि कहाँ पे लगाना चाहिए, मीन्स पूरे में तो नहीं लगाऊंगी बट देखते हैं कहीं लगा भी. नेक्स्ट अब हम लगाएंगे फाउंडेशन, बिकॉज अब फाउंडेशन लगाने के बाद ही आई मेकअप पूरा कंप्लीट हो पाएगा. नेक्स्ट लगाएंगे कंसीलर. नेक्स्ट हम कर लेंगे अपने फेस को सेट और मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ मेबेलिन का फिट मी कॉम्पैक्ट पाउडर. नेक्स्ट अब हम करेंगे अपने फेस को कॉन्टोर, ब्लश लगाएंगे और हाइलाइटर, तीनों चीज़ लगाएंगे और उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ सुगर का फेस पैलेट, कॉन्टोर डे फोर्स फेस पैलेट इन द शेड 01 सबटल सेलेक्ट. इसका जो ब्लश है वो काफ़ी कम पिगमेंटेड नहीं बोलेंगे, काफ़ी सटल है एज इट नेम सजेस्ट, या मेक सेंस. मुझे आज अपना बेस मेकअप काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मतलब खुद ही शाइन आ रही है. हाइलाइटर की तो जरूरत भी नहीं बट फिर भी हाइलाइटर लगाएंगे बिकॉज आई लव हाइलाइटर. ये भी बहुत सटल और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है. नेक्स्ट हम अपने लोअर लैश लाइन को भी थोड़ा स्मज आउट कर देंगे पिंक से. सो लिपस्टिक के लिए मैंने लिया है किंगडम ऑफ लैशेस का लिपस्टिक, देखते हैं यह सूट करता है कि नहीं बिकॉज पता नहीं मुझे ये शेड बहुत पसंद है वैसे काफ़ी ज़्यादा. सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस. आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर आप चाहें तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं. मेरा इंस्टाग्राम आईडी है its_rasmi_sina. सो यहाँ मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय.